आज की रेसिपी खाने की नहीं बल्कि चमकाने की रेमेडी है जो आपके चांदी के तांबे के बर्तनों को करेगा मिनटों में साफ। तो ऐसा लिक्विड जो आपके काम को करेगा आसान। तो यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन में डाला है एक गिलास पानी और एक छोटी सी कटोरी आटा। आटा स्क्रबर का काम करता है। और साथ में मैंने डाला है 2 चम्मच नमक। तो पानी की और नीड हुई तो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर एक गिलास मैं और पानी डाल रही हूँ, यानी कि 2 गिलास पानी में छोटी सी कटोरी आटा और 2 चम्मच नमक। इनको हम सबसे पहले करेंगे अच्छे से मिक्स, यानी कि नमक और आटा अच्छे से घुल जाए। तो यहाँ पर 2 चम्मच यहाँ पर डाला है मैंने डिटर्जेंट कोई भी सर्फ, और 1 चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच विनेगर, वाइट विनेगर डाला है। और ये देखिए झागदार सा हमारा मज़ेदार सा लिक्विड बनकर तैयार है। तो इसे आप किसी बोतल में भर कर रख सकते हैं। और मैले हुए बर्तनों को, यानी कि जो तांबे के होते हैं, चांदी के बर्तन होते हैं, उनको चमका सकते हैं। तो आपको मैं चमका कर भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने ये साफ़ किए हैं। तो ये देखिए पड़े पड़े कई बार ये चांदी के और तांबे के बर्तन इस तरह से हो जाते हैं अगर हम यूज़ नहीं करते तो। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा लिक्विड लीजिए स्क्रबर के ऊपर और इस तरह से ये देखिए थोड़ी सी मेहनत से ही आपका ये चमक उठेगा। एकदम साफ हो जाते हैं भगवान जी की जो चांदी की मूर्तियां होती हैं या वैसे भी मूर्तियां होती है ना, तो वो भी आप इस स्क्रबर से, इस लिक्विड से साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर चांदी के गिलास को भी हम चमका देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा लिक्विड लीजिए और इस तरह से ये देखिए चमक उठा है हमारा ये चांदी का गिलास। तो थोड़ी सी मेहनत भी नहीं लगी इसको साफ करने में, बस आपको लिक्विड बनाकर रखना है और कोई भी आपके तांबे के बर्तन हो, चांदी के बर्तन हो, उनको इस तरह से चमकाना है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। तो चमक गए हैं ना ये हमारे बर्तन। तो बनाना भी इसे बहुत आसान है, इसे किसी बोतल में भरकर रख लीजिए। तो मिलती हूँ आपको नई रेसिपी या फिर टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे